पिथौरागढ़ में ऐसा फल मिला कि साइंटिस्ट परेशान, किसी भी दर्द को कर देता है खत्म। गांव के लोग हर दिन पकने पर खा जाते थे, भनक तक नहीं लगी कि ये तो दवा निकलेगी। फल के साथ पत्तियां भी उसकी असरदार, संजीवनी के नाम से लोग रहे पुकार। पुराने जमाने में वैद्य जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, ये सिर्फ पुराने जमाने में ही नहीं बल्कि शास्त्रों में भी इस तरह की बातें दिखाई और बताई गईं। खासतौर पर भारत में जड़ी बूटियों से इलाज का सिलसिला काफ़ी पुराना है, लेकिन धीरे धीरे समय बदला तो अंग्रेजी दवाइयों ने तेज़ी से पैर पसार लिए। लेकिन आज भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मार्केट में हैं तो बहुत लोग इस्तेमाल भी करते हैं। उत्तराखंड भी जंगलों और पहाड़ी इलाका है, ऐसे भी यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। बड़े बड़े शोधकर्ता आज भी पहाड़ों में मौजूद ऐसी चीज़ों को खोजते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। उत्तराखंड के एक फल की रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। जिस फल के बारे में लोग जानते तो थे लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, अब रिसर्च के बाद उस फल की डिमांड तेज होने वाली है। उस फल के शोध की जरूरत लंबे समय से थी, लेकिन किसी को आभास नहीं था कि जो बातें वो सुनते आ रहे वो सच भी साबित हो सकती हैं। इसका सीधा सीधा लगाव उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, जहां पर उस फल का शोध किया गया तो अचंभित करने वाली पड़ताल मिली, जिसके बारे में अब लोग जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है। घिंगारू एक ऐसा फल है जिसका शोध किया गया तो लोग हैरान हो गए। घिंगारू को लेकर पहले से कई बातें कही जाती रहीं, लेकिन अब तो शोध में भी पुष्टि हो गई कि यह फल कितना कारगर है। इस फल को लेकर लोग लंबे समय से शोध कर रहे थे, लेकिन जहां पर इसकी पैदावार है वहां इसका इस्तेमाल भरपूर होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल देश दुनिया में भी हो सकता है। घिंगारू फल में जितनी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा क्षमता उसकी पत्तियों में है, जिसके बारे में वहाँ के लोग भी जानते थे, लेकिन अब शोध की रिपोर्ट सामने आने के बाद वो भी जानने लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि शोध के बाद इसकी और गहनता से सर्च की मांग की जा रही है। दिल्ली भेषज विज्ञान और शोध विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन को जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी ने प्रकाशित भी किया। शोध के लिए पिथौरागढ़ जिले के घिंगारू के फल और पत्तियों पर अध्ययन किया गया। शोध दल में शामिल भेषज विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर देवेश तिवारी ने बताया, घिंगारू में वो सभी तत्व मौजूद हैं जो दर्द निवारक दवाइयों में मिलते हैं। शुरुआती तुलनात्मक अध्ययन में पता चला कि घिंगारू का एंजाइम मैकेनिज्म इन दवाइयों से भी तेज काम कर रहा है, साथ ही इसका असर ज़्यादा समय तक रहता है, यानी इसमें दर्द पर काबू पाने की क्षमता है। शोध के अनुसार घिंगारू के फलों की अपेक्षा पत्तियां ज्यादा असरदार पाई गईं। अलग अलग स्थानों में घिंगारू का फार्मेलॉजिकल और रासायनिक अध्ययन किया गया। बताया कि अब तक घिंगारू के बारे में केवल मौखिक ज्ञान था, वो पहली बार है जब इसका प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अध्ययन और शोध हुआ, जिससे इसके गुणों के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि अभी और अधिक शोध की जरूरत है ताकि इसके अन्य गुण पता लगा सकें। घिंगारू को हिमालयन फायर थॉर्न के नाम से भी पुकारा जाता है। घिंगारू के छोटे छोटे फल गुच्छों में लगे होते हैं, हालांकि सितंबर में पकने पर ही नारंगी या गहरे रंग के हो जाते हैं। ये फल हल्के खट्टे, कसैले और स्वाद में मीठे होते हैं। घिंगारू में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसका पौधा मध्यम आकार का होता है और शाखाएँ कांटेदार होती हैं।